अमूल से बास्किन रॉबिन्स तक का सफर, इस कूप में तो कोई जॉय नहीं है, बिल्कुल नहीं। टू आइसक्रीम, गोर में आइसक्रीम फ्लेवर, क्या गोर में आइसक्रीम फ्लेवर, गोर में आइसक्रीम फ्लेवर। प्रोडक्शन प्लीज, मैजिशियन और एडिटर पे कभी भरोसा मत करना। आई नेवर थॉट आई वुड लाइक बनाना सो मच। टैट 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 चॉकलेट आई गेस, चॉकलेट नहीं वो वॉलनट है तेरे बुद्धि के लिए। मयूर को कुछ भी चलेगा लेकिन अपने मूड के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा कभी नहीं। आई कांट स्टॉप लुकिंग एट योर आईज के। अरे टेंस कर ले यार, वो आंसुओं के बीच पता है मेरी बेटर देन मेरी वाली गाइस। इतना ठंडा हाल ये कि दांतों में नहीं पूरे बॉडी में जलजलाहट फील हो रही है। नाइस सर, मैं दो तो खा ही सकती हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड। आज क्या ट्राई कर रहे हैं कुछ पता है देखो? नहीं यार तू बता। इतनी गर्मी हो गई है आजकल, पता नहीं आज क्या ट्राई करेंगे। वो तो मैं बाजू में बैठा हूँ इसलिए गर्मी हो रखी है। डू यू लाइक आइसक्रीम्स? यस बट आई थिंक आइसक्रीम्स का कोई मौसम नहीं होता यार। अच्छा, आइसक्रीम्स का मूड होता है। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं एज वी ऑल नो इज ठंडे ठंडे टू बीट द हीट वाले मस्त आइसक्रीम। आज हम ट्राई करने वाले हैं गोरमे आइसक्रीम। तो अब हम तैयार हैं, गर्मी बढ़ चुकी है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले आओ गाइस। प्रोडक्शन तैयार भाई, एक चुटकी। यस ओ एवरीवन फेवरेट बास्किन रॉबिन्स वी हैव फर्स्ट वी कुडंट मिस बास्किन रॉबिन्स। मैजिशियन और एडिटर पे कभी भरोसा मत करना। अमूल से बास्किन रॉबिन्स तक का सफर, मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉटन कैंडी एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाना एंड स्ट्रॉबेरीज गाइस। चीयर्स। चिप्स अच्छी है यार। I never thought I would like banana so much. This is थोड़ा different, unique लग रहा है थोड़ा flavor. अच्छी यार, मैं मस्त है। अमूल से बहुत आगे आ चुका हूँ। And ये मुझे ये exactly it's like a protein shake only. And it's very very tasty. If you are not a fruity person but you would still like this ice cream a lot, it is a perfect flavor of strawberries and bananas together in one bite. I don't have to wait for strawberry or banana coming. I can't stop looking at your ice cream. अरे टेंस कर ले यार। है ना? ये बहुत अच्छी है, पता है मेरी बेटर देन मेरी वाली कह सकता हूँ मैं। आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग दिट बिकॉज दिखा मेरे को, दिखा तू इसको एंजॉय कर। हाँ हाँ ओके। नहीं आई थिंक यू आर राइट, ये आई थिंक पोस्ट ब्रेकअप एंजॉय करने वाली आइसक्रीम है, है ना? थोड़ा वो गम के साथ, वो आंसुओं के बीच, वो उसकी याद में, और वो एक मस्त बैकग्राउंड स्कोर पे एक अरिजीत सिंह का गाना, साथ में ही आइसक्रीम, सुभानअल्लाह। सो पैकेजिंग वाइज इज वेरी क्यूट एंड वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट, सो इट्स ग्रेट। तुझे पता है ये देख ये ऐसा हाइलाइटेड क्यों रहता है? देख बी आ रहा है और ऐसा ये हाइलाइटेड क्यों रहता है बीच में? ऑनेस्टली 31 दिख रहा है, पता है ऐसा? इट इज 31 पर क्यों? इट इज 31 चलता है। वी आर सेलिब्रेटिंग 31 इयर्स ऑफ बास्किन रॉबिन्स। नहीं 31 फ्लेवर्स होते हैं इनके, थोड़ा क्रिएटिव। साहिल इज स्मार्ट आफ्टर ऑल गाइस। डिजाइन वाइज इट्स गुड, क्वालिटी वाइज, क्वालिटी वाइज आई थिंक थोड़ा बेटर क्वालिटी वाला दे सकते थे आप। मैं दो तो खा ही सकता हूं। ठीक है यार, मैं दो खा सकता हूं पर मैं प्रेफर एक खाना पसंद करूंगा, प्रेफर एक करूंगा खाना। एंड दे हैव रिटन समथिंग स्कूप द जॉय, इस स्कूप में तो कोई जॉय नहीं है, बिल्कुल नहीं। कमिंग टू एज आई सेड द पैसा क्या पैसा था इसका? 104 रुपए का स्कूप था। हाँ, इसके लिए 104 रुपए नहीं दे सकता मैं, मतलब शायद क्वांटिटी कम है लेकिन मैं दूंगी। क्वांटिटी यार नहीं, टेस्ट वाइज 104 रुपए देने का मन ना करे, 20 रुपए की चॉकोबार ना खा लूं। आई थिंक आई प्रीटी मच फिनिश्ड दिस एंड माय कन्वर्सेशन ऑन दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन प्रोडक्शन। इट्स टाइम फॉर नंबर 2। थैंक यू। As we all know, we've got Hamul.
दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, लग रहा है कि इसके पास पिंपल्स आ गए हैं, पता है? कुछ भी यार। स्विस केक ट्राई कर रहे हैं हम, स्विस केक इन द फॉर्म ऑफ आइसक्रीम। रेड वेलवेट इन द फॉर्म ऑफ आइसक्रीम। केक खाया मैंने रेड वेलवेट, उतना भी चीनी हूं मैं। लेट्स हैव मोर। ठीक है, गिविंग मी दैट दही चीनी खा के निकलने वाला वाइब। मम्मी की आदत है। को पता नहीं क्यों बर्थडे पार्टीज वाली वाइब दे रहा है। पैकेजिंग इज वेरी स्मार्ट, इसमें हैव मोर का यू नो दे हैव पुट दैट मेल्टिंग आइसक्रीम व्हिच इट इज एक्चुअली मेल्टिंग इफ यू डोंट हैव इट। सो ऑफ कोर्स नहीं, हॉट लेट्स बेटर टू बेटर। पैकेजिंग कुड हैव बीन मच बेटर गाइस। ये क्या लिड किया है ये? आर यू सीरियस? द नेम इज वेरी यूनिक, यस, टू इज केक आइसक्रीम, बट टेस्ट इज नॉट सो यूनिक। और मयूर को कुछ भी चलेगा, लेकिन अपने मूड के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं गाइस, कभी नहीं। पोर्शन वाइज यू थिंक पोर्शन साइज इनफ था? दिस इज मोर पोर्शन आप आधा भी कर दो तो भी आई वोंट केयर। So, this is 150 ka ml and this comes I think for 101 rupees. Mera price was 120 na? Rich people. अरे यार 20 रुपए का फर्क है, तेरा तो शगुन वाला प्राइस आया 101। स्विस केक उन्होंने जो प्राइसिंग लगाया 101, लाइक तो चंदा देते ना 101, मैं इसका ज़्यादा दूंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गया। देख मैं तेरे वाले के लिए 101 रुपए दे सकता हूँ क्योंकि तू खा रही है ना इसलिए। अच्छा, आई थिंक लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई द थर्ड वन। थर्ड फ्लेवर गाइस प्लीज। थर्ड वन यस। सो भगवान जी प्लीज। ओह वेरी नेचुरल। तो गाइज अगली आइसक्रीम आ चुकी है और वो है निक की NIC। बहुत क्यूट पैकेजिंग। मेरा फ्लेवर भी लिखा हुआ है इस पे, कॉफी वॉलनट। मेरा टेंडर कोकोनट। सी हाउ नाइस थी, हम लोग को स्ट्रगल नहीं पड़ा करना पड़ा। चेयर इसके लिए वेट नहीं करी तूने? नहीं, लेजिट कॉफी फील हो रही है मेरे को, लेजिट। बीच में तो वो ऐसा है चॉकलेट, आई गेस चॉकलेट नहीं, वो वॉलनट है तेरे बुद्धि के लिए। टेंडर कोकोनट जैसे मुझे पसंद है, विद दैट फ्लेवर द कोकोनट, छोटे छोटे ऐसे स्पाइसेस द कोकोनट के, इट्स ट्रूली देयर। कमिंग टू टेस्ट, बोथ ऑफ देम आर रियली टेस्टी। पैकेजिंग आल्सो इज ऑन पॉइंट, परफेक्ट टू व्हाट दे। कोकोनट एज एन आइसक्रीम मैंने सोचा नहीं था हो सकता है। दिस इज यूनिक फॉर मी, मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ NIC से। नेक्स्ट टाइम कॉफी डेट नहीं, कॉफी आइसक्रीम डेट। यस एग्जैक्टली। सो आई थिंक NIC आइसक्रीम्स आर रियली नाइस। पोर्शन साइज इज टोटली इनफ आई फील। आई थिंक स्कूप वाइज क्वांटिटी कुड बी मोर, द पैकेजिंग इज स्मॉल। टेंडर कोकोनट आई एंजॉयड अ लॉट। एंड डू यू थिंक इज इट वर्थ द मनी? प्राइस ऑल्सो आई थिंक इज अराउंड 65 to 70 रुपीज के बीच में आता है। फिर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Perfect. This was by far my favorite. Both are for like 60-70 के आसपास. तो फिर तो बहुत अच्छा है यार. 60-70 रुपीस में you can try this. This is best then. And 85 में देना prefer करूँगा. So overall, जितनी हमने आज ice creams try करी, what did you think? Which was the best one? So my favorite is NIC's coffee walnut flavor. गाइस मेरा फेवरेट तो रेड वेलवेट है, जैसे मैंने बहुत तारीफ करी हुई है आज इसकी, तो मेरे लिए वो आज का टॉप पे रहेगा स्विस केक। माय वन अल्टीमेट विनर विल बी कॉफी वॉलनट। We have come to an end of a very thanda chilled episode. Hope you guys enjoyed it. Guys, itta thanda khali hai ki daanton mein nahi pure body mein jagrat feel ho rahi hai ab. Nice sir. Hai na? Ice cream khaungi, Kashmir jaungi. Magar ab Kashmir jaane ki zarurat nahi, kyunki ice cream ghar pe hi aa jayegi guys. Aur kaun si? Wo humne try karke bata hi di hai. Aap bhi agar is video ko dekh ke pigal rahe ho na agar. So make sure you like, share and subscribe to Things to Do. Until then, this is Simran. This is Sahil. This is Roman. This is Mayur. Signing off. Ta-da. So production, hum aaj kya try kar rahe hain? Main kaun sa wala try kar rahi hu? Bol rahe ho?
मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉफी वॉलनट. रियली एक्साइटेड. आई एम अ कॉफी लवर. अरे मेरे कैमरा के सामने भी ला रहे बार बार. मुझे भी मेरा दिखाना है ना भाई. बट वो देखना. मस्ती कर रहा यार मैं. बोल बोल बोल. If you enjoyed watching this video, like, share and share this video, guys. नहीं share था ना? या subscribe था? Like and share this. Like and share this video with your friends.